तुम्हारे मंत्री का सबका तो ही बात करते ना। हेलो, महाराजा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अरे महाराजा, वो 6 महीने पहले महाराजा पलंग के लिए फोन किया था हम। अरे तुम अभी तक जिंदा हो रे, तुम मरे नहीं हो तुम। एक्सक्यूज मी, इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है, ठीक है? तुम कोई गलती से नहीं सीखोगे। तुम दोबारा फोन फिर तक कैसे कर दिए थे? हम तुम्हारा गलती सुधारने के लिए फोन किया है। अच्छा, तुम मेरा गलती सुधारोगे? जहाँ पे हो वहीं पे आके तुम्हारे पलंग बना देंगे नया वाला। एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम साला कैसे फोन कर दिया हमको फिर से? एक मिनट, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पसेस। अच्छा चलो, गलती सीखने से बताओ क्या करना है। हमको वापस ऑर्डर करना है। अच्छा, क्या ऑर्डर करना है बताओ? पलंग ही बनाना है, और क्या? तुम और क्या बना सकते? इस बार कितना बड़ा पलंग बनाना है? इस बार तुम ऐसा करो, तुम, मैं और मेरा 19 रानी एक साथ रह सके। पिछली बार जब फोन किए थे तो 29 रानी थी, कहाँ चली गई 10 रानी? हम निकाल दिए, ठीक है? उतना डिटेल लेके तुम क्या करेगा? सुनो मेरा बात, पलंग बनाना है तो बताओ डिटेल हमको। महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो। बोलो दूत। अरे ये दूत आ गया, सब लोग आ जाओ एक साथ अभी। महाराजा। हाँ बोलो। ये किन से बात कर रहे हैं आप? ये बहुत गंदा आदमी है, तुम बोलो क्या खबर? तुम्हारा इंतजार करे दूत। तुम लोग राजा रखे हो, साथ साथ मेरा भी। पिछली बार भी तुम लोग ऐसे ही दूत और राजा मिल मिल 3 घंटा परेशान किए थे। अरे आप दूत क्या खबर लाए हो? महाराजा, हकीम साहब आए हैं जड़ी बूटी लेकर। ऑल राइट, बहुत सही। अरे हकीम का जड़ी बूटी पी जाओगे? 19 से 9 भी नहीं बचेगी राजा, बात समझो यार। ए, तुम ना बाप बाप पे हमारा तोहिन कर रहा है। हम ये मानेगा तुम्हारा राज्य का, तुम्हारे राजा का, तुम्हारे के मंत्री का, सबका तोहिन का बात करते रहो। और सुनो, 6 महीने नहीं, 6 साल बाद भी फोन मत करना। ये तुम्हारे पलंग बनाएंगे, तुम्हारे राज्य में पलंग बनाएंगे आगे। दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड पर्पसेस। चलो हमने 6 महीने, हमने 6-7 महीने बाद इसको कॉल किया भाई। हरा पड़ा था भाई। ये किसका कॉल आ रहा है? 6-7 महीने बाद इसको कॉल किया और भाई ने इतनी गालियां दी है। महाराज आपको याद भी रखा है उसने? हाँ, उसको याद है। तो जड़ी बूटी का बात बोलने का क्या था अभी? आपकी फालतू का तोहिन हो गया मेरा। आपको रानियों का नंबर याद रखना चाहिए, 29 से सीधा 19 पे ले आए। अरे ये तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। 29 से 19 ले आए महाराज, हम क्या करेंगे? आप खुद ही 29 रानी पहले बोले, अभी बोले 19 रानी। तो स्क्रिप्ट में तो 29 नहीं था। महाराजा की जय हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बताइए अगला कॉल महाराजा कहाँ पर लगाए? जड़ी बूटी। कौन क्या रही है जड़ी बूटी का आइडिया? तुम होगा। नहीं, जड़ी बूटी वाला आइडिया ऑनेस्टली स्पीकिंग इंस्टेंट था, क्योंकि वो जैसे बोला ना 29 से 19 रखे आपके आगे, तो हमें लगा ये और कुछ आइडिया नहीं आया, वही आया। हेलो, दीपक जी बोल रहे हैं? हाँ ये बोल रहे हैं। आपका मौत का खबर सुन के आपको बहुत बुरा लगा, बता रहे कसम से। हेलो, मर के कैसा लग रहा है भैया आपको? मर के कैसा लग रहा है? आए? कौन बोल रहा है? हेलो, परिवार वालों को तो बहुत दुख हुआ होगा ना सर आपका मौत का खबर से। अबे बात नहीं हो रही, मर जाऊंगी। अरे भैया, आपको रोने के लिए तो बुला लिया था कम से कम। भैया बहुत अच्छे आदमी थे। अबे कौन बोल रहा है? हेलो, प्रजापति बोल रहे हैं। अबे कौन मर गया, बात नहीं कर रहा तुमसे? बहुत सीधा आपका आत्मा बात कर रहा भैया, बहुत अच्छे आदमी थे आप। अरे क्या एकदम, कौन बोल रहा है? हेलो भैया, प्रजापति बोल रहे हैं। भैया आप मर गए ना? भैया आप तो मर गए ना? कौन मर गया, बात तो कर रहे तुमसे, मर जाऊंगी। नहीं नहीं, इंडोनेशिया में अभी भूकंप आया ना भैया? आया था। तो आपने फेसबुक पे अपने आप को सेफ मार्क नहीं किया, तो हमको लगा मर गए होंगे भैया। जब इंडोनेशिया में भूकंप आया तो हम वाले की यहाँ पे रहते हैं हिंदुस्तान में, तो हमें उससे क्या मतलब, वहाँ भूकंप आ जाता है। तो भैया नेपाल वाले अर्थक्वेक में आपने खुद को सेफ मार किया था, उत्तराखंड वाले में किया था, अफगानिस्तान में आया आपने उसमें सेफ किया, फिलीपींस में सेफ किया। भैया हमको लगा इंडोनेशिया में आया आप सेफ नहीं मार किया, मर गए होंगे भैया। आदमी में पता नहीं क्या राग अलाप रहे जब से बैठे।
हेलो जी, हम दीपक से बात कर रहे हैं। बोल रहे दीपक। हाँ तो दीपक जी, ऐसा कि अभी आपकी डेड बॉडी आई नहीं, आने वाली थी, यहाँ पर लंबी क्यू लग गई है, जल्दी आइए आप। अरे क्या बकवास क्या बोल रहे? अरे भैया आप मरे नहीं अभी तक, पागल हो गए हो क्या? अभी वो कह रहा है कि वहाँ पे मार्च में चेक किया, तुम कह रहे हो कि लकड़ी कौन सी चाहिए? हाँ तो भैया लकड़ी और घी कौन सा चाहिए भैया? घी देखिए हमारे पास में पुराना भी है, नया घी भी है भैया, जो बोलेंगे आपको। इधर सुनो। अरे इधर सुनो डिजिटल आत्मा, अभी तक तुमने खुद को इंडोनेशिया के भूकंप में खुद को सेफ मार्क नहीं किया, तो मतलब हम तो यही सोचेंगे ना मर गए हो तुम। तो कैसे क्या कहते हैं, ये नहीं किया, मार्क नहीं किया, सेफ नहीं किया, तो उससे हमें क्या मतलब यार? तो आप तो करते ना खुद को, इसीलिए तो हमें मतलब है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और अरे भैया मुर्गा बना दिया भैया, क्या सब हम गए, हम डेड बॉडी से बात कर रहे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे सब, सुबह सुबह करो आइंदा से, हम क्या करिए, मजबूरी में भी फंसे भी होंगे तो भी हम मारते नहीं। हेलो, आपने हमारे फार्म हाउस में आपकी 31st की पार्टी की बुकिंग करवाई थी राइट सर? हाँ जी करवाई सर। हमें बोलते हुए काफी खेद हो रहा है आपको कि आपकी वो बुकिंग हमें कैंसिल करनी पड़ रही है। अरे क्या मतलब, पार्टी कैंसिल हो गई क्या? आपकी कैंसिल करिए, बाकी सबकी कंटिन्यूड है। एक मिनट, पैसे दे चुका हूँ मैं आपको यार, ऐसे कैसे पैसे आपके मुंह पे फेंक के मारेंगे हम दोबारा? कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई, सुनो प्लान कर रखा है मैंने, आपने प्लान कर रखा हो तो आपकी प्लान की ऐसा बात करो यार, तुच्छे दो पैसे के आदमी से तमीज से बात करनी नहीं चाहिए। हमने आपके लास्ट ईयर की पार्टी की सीसीटीवी फुटेज देखी थी, काउंटर पे खड़े होकर के झगड़ा कर रहे थे आप, शिवास आपको दे रहा है, आप बोल रहे कि नहीं इसमें रॉयल है। ऐसा कुछ नहीं है यार, आपको 60ml का पैक देता तो आप बोलते ये तो 30ml है, चीटिंग बाजी हो रही है, हमको पूरा पैसा रिफंड चाहिए। ऐसे चिप्पड़ आदमी को हम अपनी पार्टी में नहीं बुला सकते। सुनो तुम कुछ ड्रामा कर रहे हो, एड शरान का शेप ऑफ यू में आप नागिन डांस कर रहे थे। अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो यार, दारू पी के इतना टूल हो जाते हो कि बीवी 5 लौंडों के साथ में डांस कर रही है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप वहाँ बैठे इसे रुपया उड़ाने में। मेरे साले थे वो जिनके साथ, अरे वो साले नहीं, वो साले ऐसे थे वो, समझे? जमाल के बाद ज्यादा हो रहा तुम्हारा, बाथरूम के अंदर बैठते हो आधी आधी घंटे, वहाँ पर उल्टी करके आते हो, बाहर लंबी लाइन लग गई थी, हमारे लोगों को टट्टी में प्रॉब्लम हो जाएगी आपके कारण। तो बेकार की बातें मत करो, एक बार से बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी, बेइज्जती के लायक है? 3 पैग लगाने के बाद होश ठिकाना रहता नहीं, डीजे का हेडफोन खोल खोल के बोलते थे लॉलीपॉप बजाएंगे, कोई मतलब है ये? ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। आप बाहर गेट के खड़े थे, आपकी गाड़ी वहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन नहीं आप तो मर्सिडीज लेकर के जाएंगे, इतना पी रखे थे आप, किनार दिखाने में आपको शर्म आ रही थी लोगों को। इधर सुनो मेरी बात सर, थोड़ा बहुत हर कोई बहकता है, ठीक है ना? आइए चोरी, इस बार कुछ नहीं होगा। सेल्फ ड्राइव पे खुद गाड़ी चला करके आता है गरीब आदमी, और बाहर निकल के शॉफर कहाँ है, मेरा शॉफर कहाँ है, कोई मतलब है? इतनी पी लेते हो क्या मतलब है? मैं किसके साथ आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ? तुझे देखिए हमारे पैसे मारे ना पार्टी के, क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सोफिस्टिकेटेड लोगों को बुलाते हैं, आपके जैसे लोगों नहीं बुलाते। तू नाम बता मुझे अपना। विमल किशोर प्रताप सिंह। इनका दाने दाने में बादाम का दम है। क्या बदतमीज आदमी है यार सारा। एड शिरान शेप ऑफ यू में नागिन डांस कौन करता है बताइए? हम क्या डांस इंडिया डांस में जाते हैं क्या? सीख के आएंगे हम, नीचे हम जैसा मन करे वैसे डांस करेंगे। तो उल्टी काय करते हो इतना, जब कंट्रोल नहीं होता तो इतना लगा, ईगो पे लगा करो ना। देखिए लक्षण सर, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपके दोस्तों ने ही बोला था आपका मुर्गा बनाने के लिए, जो आपके साथ में 31st नाइट की पार्टी को जा रहे हैं, ये बताते हुए कि आपकी हरकतें ऐसी है। एड शिरान के गाने पर नागिन डांस कौन करता है? देखो हम गजल और भजन पे भी नागिन डांस ही करते हैं। हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था, एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कॉन्टेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वॉज सिलेक्टेड, एंड आप जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, दो तरफ में दो पिक्चर्स लगेंगी, एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा, एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर, पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल पेट साफ करने वाली दवा होती है? आई आउट ऑफ योर माइंड, एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके? पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है उसकी, शक्ल उसने देखी है। आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपके शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देखे ना डर जाएगी वो। तो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए आपको किस
मतलब ऐसे लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लग रहा है। जब आप पाउट निकालती है तब ऐसा लगता है कि बस निकलने ही वाली है टट्टी। सुनिए आपका है ना, मैं बैंड बजा दूंगी समझे। नीचे से चौथे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। तो जो भी बोल रहा है फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना। हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500 आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग कैसा मिल गया मुझे, समझे? समझने की जरूरत नहीं है मैडम, समझने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको इस सब गुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना प्यार है ना वो देख लेते हैं। जब आप गर्म होती है तो पूरा इस सब गुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, छला करा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम्हें रोज होता है। अनारकले, हाँ, शहजादा सलीम और फारजी प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ आई एम ड्रीमिंग। नो यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउट बड़ा बनाती है तुम, है होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओफो यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरे मूड ऑफ कर दिया। हेलो जी, नमस्कार पांडे जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? क्या, कौन? आपके मित्र यहाँ पर हमारे साथ में हॉट सीट पर हैं, जो 1 करोड़ रुपए के सवाल पे अटक हैं। अगली आवाज आपके मित्र की। अन्त यो धर्मतालामा एउटा कुरा पाउँछ कि एउटा लुगा हो, एउटा त्यहाँनिर हाफ प्यान्ट पाउँछ हो, कुन चाहिँ हो लु? चारटा मैले अप्सन भने, त्यहाँबाट कुन चाहिँ हो? सवाल अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आपको 50 लाख मिलेंगे, नहीं तो आपके अकाउंट से। क्या क्या? चिटो चिटो माने ढीलो वैसे कौन से जींस पैंट पहुँचे की तैने? कौन बोल रहा है भाई, बता कुछ, कौन सवाल? समय खत्म हुआ, अफसोस, आप 50 लाख रुपए नहीं जीत पाए। जवाब नहीं देने के कारण आपके अकाउंट से 200 रुपए का रिचार्ज काटा जाएगा। अरे साला कौन बोल रहा है? नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। अमिताभ बच्चन बोल रहे हो? अब अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे हो? 400 रुपए काट लो इसके अकाउंट से, हमने गाली दिया। काट लिया सर। अरे सुनो अमिताभ बच्चन, ऐसे काट लोगे पैसा हमारा? हेलो, साले आवाज नहीं निकल रहा, गले लुक वालों, पैसा काट लोगे हमारा? आज का शो खत्म हो गया यहीं पे। हेलो, नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बोल रहे थे। आपने थोड़ी देर पहले केबीसी खेला था क्या, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, फोन आया था मुझे ऐसे ही। सर, आपके फोन से 200 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा सर। कोई फोन करेगा तो बैलेंस काट लोगे हमारा फोन से? कॉन्टेस्ट तो आपने खेला है सर, ये 200 रुपए खेले थे कॉन्टेस्ट। सर, फोन आया था हमको, कह रहा है कि सवाल बताइए, 50 लाख रुपए देंगे। 200 रुपया तो आपके अकाउंट से काटा जाएगा सर, और आपको एक तो फ्री देंगे तुम्हारी घुस के वहाँ पे, पैसा काटोगे हमारा अकाउंट से तो। केबीसी का ऐप मिलेगा आपको, आप घर बैठे खेल सकते हैं कौन मेरा। हमको केबीसी का ऐप, साला फोन करते हो पैसा भी काट लेते हो। आप गाली ना दे सर, इसके कारण आपके जीएसटी। नहीं सर, गलती हमारी है सर, 200 नहीं 300 काटा जाएगा सर, जीएसटी सर्विस वैट लगा करके वो 200 का 300 हो गया सर। पैसा काटा ना तो घर में घुस के ना सर बचाएंगे तुम्हारे, ना कि तो समझ लेना उसके बाद क्या होगा तुम्हारा। देखिए आवाज तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन आपको बताऊं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था, आपके मित्र की अगली आवाज सुनिए। सुबह पांडे के बाप बोल रहा है, सही जवाब आपको जिताएगा 2 करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका यार प्रवीण भाई मतलब मुर्गा बना दिया था यार, मुझे तो एक पल के लिए लगा था सच्ची केबीसी से कॉल आ गया। हेलो, हाय जी, you had booked your tickets for Yellow Taxi Music Project, if I'm correct? Yes, I have. Yes. So, आप किन का परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रही हैं वहाँ पे? वैसे तो सबका, but I'm eagerly waiting for Darshan Rawal. Right. Because I'm a big fan. So let me tell you, I'm calling you from Darshan Rawal's office. Okay. And there's a surprise for you. Okay. क्या आप Darshan से बात करना चाहेंगी? I what?
Yes. Hello. Because you're the chosen one. Oh my God. Seriously? Yes. Okay. Right. So, मैं फोन ट्रांसफर करने वाला हूँ. I know it's unbelievable, पर आप बात कर सकती हैं, ठीक है? एक सेकेंड, बात कर सकती है किससे? जिनका नाम मैंने लिया उनसे बात कर सकती हैं आप, दर्शन रावल. यस, आई एम सीरियस, आई एम सीरियस एंड आई एम ट्रांसफरिंग यू कॉल एंड यू कैन एक्चुअली टॉक टू दर्शन रावल. ओके, आप बात कर सकती हैं, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन. ओके, जस्ट होल्ड ऑन टू योर एक्साइटमेंट एंड वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग योर फोन कॉल. दर्शन लाइन पे बात कर सकती हैं आप. हेलो, हाय, हेलो, आप बात कीजिए. हाय दर्शन जी, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स. आई हैव बीन फॉलोइंग यू एवरीवेयर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू. हेलो, आप बात कर सकती हैं. हाय, आई होप यू हियरिंग दिस. हाय. हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, आप बात कर सकती हैं. या सो आई मीन आई दिस वन टाइम आई इवन डीएमड यू, आपने रिप्लाई भी किया. आई एम सच अ बिग फैन एंड आई एम सो एक्साइटेड. आई कांट बिलीव आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ. हेलो. हाँ, आप बोली, बात बोली, कर सकती है, बोलिए ना, बोलिए. या सो बट ही इजंट सेइंग. हेलो. तो हमने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि दर्शन बात करेंगे, हमने कहा आप बात कर सकती है, तो आपको जितनी बात करनी है कीजिए. ओह माय गॉड, सो नॉट फेयर, सो नॉट फेयर. ओह माय गॉड. ओके, दिस इज आरजे प्रवीण फ्रॉम 93.5 रेड एफएम एंड मी एंड नील वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुल अ प्रैंक ऑन यू. ओह माय गॉड, यू गाइस आर सो इंपॉसिबल. अरे अच्छा सीना, इट्स ओके, वी वर जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक ऑन यू, इट्स ओके, इट्स डन. लेकिन हमारे साथ ना अभी ऑनेस्टली जो हम कर सकते हैं, जो रेड एफएम की तरफ से मैं और प्रवीण कर सकते हैं, वो जावेद जी लाइन पे, जावेद जी से बात करा सकते हैं. आपको मालूम है और कौन कौन से आर्टिस्ट वहां पर आने वाले हैं? या जावेद जी, सोलमेट, ओ माय गॉड, आई एम ऑफ कोर्स बुक द टिकट्स, लू मुझा भी है. तो जावेद जी इज ऑन द लाइन, आई कैन टेक हिम ऑन कॉल. वो भी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उनसे मैं बात कर रहा हूँ आपकी. आई एम सॉरी आई डोंट बिलीव यू गाइस एनीमोर. बिलीव अस यार, इट्स ओके. वो मजाक कर रहा है यार, वो मजाक था यार. हाँ, तो मालूम है हम लोग प्रैंक करते हैं, तो हम लोग प्रैंक ही कर रहे थे. जावेद जी से बात करा सकते, लेकिन हम बात कराएं आपकी. ओके, तो मतलब जावेद जी भी बात करेंगे इस बार, ऐसा नहीं है कि आप बात कर सकती है, ठीक है? मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं कनेक्ट कर देता हूँ. कनेक्ट कर दे भाई, जस्ट होल्ड ऑन. ये एक सेकंड. बात कर सकती है आप, स्टार्ट करो. हाय, हाय जावेद जी. देखिए, जिंदगी है तो फासले हैं, और फासले हैं तो जिंदगी है. ओ माय, हेलो जी, बताइए. जावेद जी सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए. This is not fair. This is so. No, देखिए, हमने कहा था जावेद साहब से बात कराएंगे, हमने ये नहीं कहा था कि जावेद अली साहब से बात. वो यार बोले प्रैंक कर रही है. यार बैक टू बैक. देखिए ऐसा है. अब हंस रही हो? हंस दी. राइट सर. Because we have pulled a prank on you, you know what we can do for you is, on the day of the event, when you come down, we'll actually make you speak to Javed Ali, Darshan Rao, Luma Jaw, Soulmate and Mame Khan, everyone. सबसे मुलाकात कराएंगे और आपकी personal picture करवा के देंगे. मतलब नहीं, पता करवा के देंगे हम लोग, ठीक है? ये वादा है हमारी तरफ से, ठीक है? Okay. But thank you so much, यार. I should get this in written actually. I? ये थोड़ा देखिए, मंजिलें हैं तो हमारे शब्द है, और शब्द है तो यकीन है, यकीन है तो bookmyshow.com पे जाइए एंड बुक योर पासेस राइट अवे फॉर द येलो टैक्सी म्यूजिक प्रोजेक्ट सीजन 2. बजा दे रहो, मिला देंगे यार तुमको पक्का से, याद. ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू सो मच. हेलो. हाय मैम, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम इन इंडिया. व्हाट? वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम
Oh my god. Okay. Do you follow cricket? Of course, I do. Right. So what we are doing right now is हम जो क्रिकेट के फैंस हैं उनसे कुछ सजेशन ले रहे हैं. Okay. ताकि वर्ल्ड कप की स्क्वाड हमारी परफेक्ट हो. मतलब हम सजेशन देंगे उसके हाँ जी टीम बनेगी. Right. If your suggestions matches with ours, आपको लंदन जाने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए. Wow. Very nice. आपसे दो तीन चीज जानना चाहता था. आपके हिसाब से गुरप्रीत सिंह संधु को ओपनिंग करनी चाहिए बैटिंग या फिर उनको थर्ड डाउन उतरना चाहिए? थर्ड डाउन बेहतर रहेगा शायद. आपको क्यों ऐसा लग रहा है? ऑलराउंडर है ना, तो एकदम पहले उतरेगा तो वो टायर हो जाएगा थोड़ा. अगर उसको पहले बॉलिंग भी करना पड़ेगा ना तो फिर बाद में उतरेगा तो थोड़ा टायर. अगर पहले बॉल करता है फर्स्ट करिए राइट, तो फिर थोड़ा रेस्ट करने का भी चांस मिल जाएगा. एंड जो अमरिंदर सिंह है उनको ऑफ साइड से बॉलिंग करनी चाहिए या फिर ऑन साइड से बॉलिंग करनी चाहिए? अमरिंदर सिंह को ऑफ साइड से करनी चाहिए मोस्टली, वही वाला साइड स्ट्रांग होगा उनका. एंड विशाल कायत के बारे में आप क्या जानकारी रखती हैं? विकेट कीपर है ना वो. हाँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग विकेट कीपर है वो. राइट. एंड सुभाषीष बोस हमारे पश्चिम बंगाल से आछेन, वो बॉलिंग कर सकता है ना, स्पिन बॉलिंग करता है, तो हम उनको रख सकते हैं मेन स्पिन बॉलर के तहत. लास्ट दो ऑप्शन और थे मैम. संदेश झिंगन, क्या लगता है कि स्लिप में रहना चाहिए या उनको मिड ऑन में फील्डिंग करवानी चाहिए हमें? नहीं नहीं, स्लिप ही बेहतर है, स्लिप ही बेहतर होगा मुझे लगता है. एंड प्रीतम कोटाल को पहले 15 ओवर में बॉलिंग करवानी चाहिए या फिर प्रीतम कोटाल को हम लोग को डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखना चाहिए? पता नहीं, बीच में करवा देते हैं कहीं पे. मैम फॉलो आपने मतलब ऐसा फॉलो करा ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट आपने मिक्स कर दिया है. हाँ जी. आप हंस क्यों रहे हो? मैम इसमें से एक भी क्रिकेटर का नाम नहीं था, सारे फुटबॉलर थे. आपको इनकी भी जानकारी है, मतलब इनको थर्ड डाउन खेलना चाहिए, इनको स्लिप में रहना. मतलब ये कोई मजाक हो रहा था क्या? मजाक तो आप कर रही थी देर तक. आप से नहीं बोल रहे हो? मैं तो रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण मुर्गा बना रहे थे हम लोग. जबरदस्ती का ज्ञान ठेलना इसको कहते. टिकट ही नहीं दे रहे हो ना आप बिल्कुल. इसके बाद भी अगर आप टिकट की आशा रख रही हैं तो जिंदा हो तुम. हेलो. आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला. कष्ट सबके जीवन में होता है. कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ. बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ. बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा. बेटा कष्ट नहीं होगा, तय है, बवासीर का इलाज संभव है. तुम पीछों ने कष्ट रखो पागला कोदा करे. मैं हेलो दादा की होई छे? बवासीर का इलाज संभव. सुबह धंधे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম. কি বলুন? না একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে, একটু সাইডে আসুন আপনি. কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি. তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ. এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা. সির কে ইলাজ কে লিয়ে আজ এড্রেস করে পার্ক সার্কাস স্টেশন সে তিসরা মকান 5-7 छपिया इलाज. आइए हमारे देश को बाबा से वक्त बनाते हैं. दो पुड़िया जिंदगी की आप ली अच्छा बोला था वो बोला था कि वो इस समय को नंबर पर सब बाबा बाबा सी रोए थे और वो मस्ता भी तो बाबा. हेलो 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 हेलो. बाबा सिर का इलाज संभव. ये तय है कि नहीं होगी. दादा बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा, ये तय है. आइए हमारे देश बाबा सिर वक्त बनाते दो जिंदगी की आपने लिखा. प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से, अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में. अरे क्या यार, तुम लोग ले लेते कथा दादा. आमी जानी तुम्हें की बोल बे, बाबा सिर का इलाज संभव है कि नहीं? हाँ संभव है. गा के बाबा सिर का इलाज
संभव है, कष्ट नहीं होगा, ये तय है। मैं सच बताऊं आपको, तेजपाल जी ना सिर्फ नाम के तेज हैं, अदरवाइज हैं वो ऊपर वाले की गायें। मतलब जो कुछ भी करवा लो, ऊपर वाले माफ करना है, मजाक के लिए। बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो, अरे कॉल तो लग गई। हेलो हाँ जी। अरे यार इनकी आवाज, तेजपाल जी कौन बोल रहा है जी? अरे यार इनकी आवाज, सर आपको बात बता दूं, मेरे फोन में ना दिक्कत है स्पीकर में सुनने वाले में, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ मुझे तो आ रही है। इनको वो बोल दो ना, नंबर दबा रहे हैं, एक डिजिट कोई दबा रहे हैं। अपना कोई फोन का नंबर एक दबाओगे जरा, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो कॉल तो चल रही है। अबे काम क्या है मेरे को, जितने कहेगा उतने दबा दूंगा। आवाज ही नहीं आ रही है इनकी, एक दबाएं कि पता चले ये सुन रहे हैं हमें। ले दबाता हूँ, एक दबाता हूँ, आवाज ही नहीं आ रही। ओहो सुन रहे हैं, सुन रहे। ओ तेजपाल जी हो, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच बीच में बटन दबाते रहना ताकि पता चलता रहे आप कॉल पे हो, ठीक है? तो ठीक है यार, जल्दी कर जो भी करना है। बंसल जी साथ बैठे हैं, इन्होंने आपका इंटीरियर डिजाइनर का काम है, वो इन्होंने अपनी कोठी में करवाना है। ओके ओके। आप हो भी फोन लाइन पे यार? हाँ जी हाँ जी, मैं हूँ फोन लाइन पे। दबी नहीं रहा बटन, है ही नहीं लग रहा लाइन पे। हेलो। हाँ बढ़िया बढ़िया, इनसे आपकी मीटिंग करवा देता हूँ। और बात ये, अरे यार इसके फोन के डिस्प्ले, ले डिस्प्ले भी उड़ गया इसका। मैं बताऊं तेरे को, मेरे को चाहिए झूमर। अरे झूमर ठीक है बंसल जी, मेरे फोन का डिस्प्ले भी उड़ गया, उनके फोन कट गया लग रहा है। फोन कट गया? हेलो। फोन कट हेलो गया, कट गया फोन, डिस्प्ले उड़ गया इसका, पता नहीं चला फोन कट गया। हेलो। कैसा काम है इसका? बेवकूफ है, इतना कुछ आता नहीं है, मार्केट में नया है। तो मेरा पैसा क्यों लगवा रहे यार? मैं आपका पैसा मैंने लगवाना है, रही जाके यहाँ पे। हाँ। ठीक है, ये तेजपाल से मजे ले रहा हूँ, इसने मेरा बड़ा नाम खराब कराया, पहले भी दो तीन घरों में इसका काम करवाया मैंने। अबे ओए ये, मैं बातें सुन रहा हूँ तेरी। इसका कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। तो मैं के लिए फोन किया लगा लो। मैं सच बताऊं, मेरे को पर्सनली बंदा तो थोड़ा ठीक लगा। बंदा कुछ ठीक नहीं है, फोन ठीक होता तो और थोड़ा मजे ले लेते, इससे हम तो मजे ले रहे थे फोन। और आजा मजे देता हूँ तेरे को, तेरी कुत्ते। इसका डिस्प्ले खराब हो गया हुआ। अरे हेलो। उसका डिस्प्ले तो आ गया। अरे तेजपाल जी। अरे वो सुन, ओ पहली बात तो फिर नहीं आ रही, आप बटन दबा दो, डिस्प्ले आ रहा है, मतलब कॉल चल रही है। ये ले ये ले ये ले। अच्छा हो, अच्छा अरे क्या हो गया, इतने की दबा रहे हो, समझ गए हो? तेजपाल जी इनकी आवाज नहीं आ रही, इन्हें बताना था बैंड बजा रहे हैं इनका 93.5 रेड एफएम से, यार इनकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। अच्छा तेजपाल का बैंड बजाया तुमने, याद रखोगे तुम भी जिंदगी के बंदे का फोन मिलाया था। आप बिल्कुल याद रखने वाले हैं। अब आ रही है बात? आ रही है। हमें तो आपकी स्टार्ट माजी सटकली, ऐसा संजय जी कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में वो बुके का, केक का, यू नो गिफ्ट आइटम्स ऑर्डर करने का थोड़ा सा बिजनेस खोला है, लेकिन थोड़ा मामला टाइट से चल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी खुशी की लहर आज हम दौड़ा देते हैं। बजाओ इनका। ओ नहीं यार, फालतू की बातें मत करा करो आप। हेलो। हाँ संजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई, ये सुनने में आया आपने कुछ अपना ये फूलों का गुलदस्तों का बिजनेस शुरू करा है। जी जी जी। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी लोकैलिटी में एक इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मतलब और क्या क्या गिफ्ट आइटम में भी रखी हुई है आपने? हाँ जी सब कुछ, टेडी वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, केक वगैरह। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। खैर मैं फिलहाल के लिए आपको एक मदद चाहिए थी, मैं पूछ रहा था ये कहते हैं वो फूल होता है ना जिसमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है। हाँ जी हाँ जी। गुलाब का? नहीं गुलाब नहीं, मैं बना दूंगा, बड़ा अच्छा गुलदस्ता बना दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा ना। अच्छा वो गेंदे का? नहीं गेंदे का भी नहीं है, वो बड़ा चमेली का? नहीं चमेली भी नहीं है। नहीं व्हाइट रोज? नहीं व्हाइट रोज भी नहीं है, थोड़ा प्यारा सा होता है वो, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा, प्यारा सा अच्छा सा। ये लंबी सी डंडी होती है, ऊपर में होता है फूल जो होता है, रजनीगंधा। हाँ एक सेकंड, मैं बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी कहते हैं रजनी जी, सुन मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मार्केट जा रहा हूँ, मेरे को बता दे कुछ सामान लाना है तो। चलो ठीक है जी। तो इसका बनवा दो जी गुलदस्ता? नहीं नहीं ये तो हमारी, मेरी बीवी का नाम है रजनी, दिमाग में आ नहीं रहा था, उससे पूछूंगा अभी तेरा नाम क्या है, तो फिर तो बीवी का नाम नहीं आ रहा था, मेरे टाइम खराब करना था। यार आप तो इतना लेना लोना कुछ नहीं है, तूने कमाल की बात हो गई यार, अपनी बीवी का नाम पूछा, तेरी बीवी का नाम थोड़ा पूछ लिया, तो मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है अपनी बीवी का नाम पूछने के लिए, बीवी तेरी एक मेरी है, काम धंधा डाउन है तो दिमाग खराब कर लो। चलो केक का बता दो फिर। केक लेना आपने? नहीं लेना तो बता दो वैसे कौन कौन से हैं। चॉकलेट? अच्छा। वनीला? अच्छा। स्ट्रॉबेरी? नहीं। और मिक्स फ्रूट? मिक्स फ्रूट एक सेकंड। हाँ रजनी जी,
वो मिक्स फ्रूट वाला जैम मंगवा लियो, उसको बोल के दीपिका स्टोर वाले को। ठीक है ठीक है वीर जी, धन्यवाद, फिर आपका काम अच्छा चले मैं कहता हूँ भगवान से दुआ हमारी। मिक्स फ्रूट भेज दूं जी? मिक्स फ्रूट का जैम जो था हम भूल गए थे, वो हमने अब अपने किराने वाले को बोल देना, फिर वो भिजवा देगा जैम। तेरी तो है नहीं, तू ऊपर से और मत खराब कर रहा है। हेलो, हाँ जी बोलो। एक भेजू? बड़े ढीठ आदमी हो यार, ढीठ चाहिए के? कौन बोल रहा है? दांत ऊपर से निकाल रहा है, दिमाग खराब कर रखा है भाई। वाकई में बहुत धंधा बंदा चल रहा है क्या? हाँ यार, मैं 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। सही है भैया, सही है। भाई स्वाति जी बहुत बड़ी बर्ड लवर है, इसलिए मिंटो रोड से ऑस्ट्रेलियन तोते लेकर आई हैं, ये सोच के कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, थोड़े से ओपन माइंडेड होंगे, कुछ कुछ बातें बातें करेंगे और फैमिली बढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस, ये तो कुछ करने का नाम ही नहीं ले रहे। बजाते हैं थोड़ा सा बैंड। हेलो। हेलो, हाँ जी। नहीं, ये स्वाति मैडम से बात हो रही है क्या मेरी? हाँ जी। मैडम, सोनू बोल रहा हूँ, मिंटो रोड से, चिड़िया की दुकान है हमारी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ से एक पैर लेके आई थी। हाँ, मुझे पता है मैडम, आपके हस्बैंड जो है ना भाई जी, दो बार आके हमारे से मिल चुके हैं, जहाँ मतलब बोल रहे थे कि कुछ थोड़ी परेशानी हो रखी थी। वो तो आपस में बात तक नहीं करते, एक दूसरे की तरफ ही नहीं देखते। मैं कितनी कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। ये आप ऑस्ट्रेलियन ले गए थे ना तोते? भाई साहब देखिए, मुझे ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन है या रशियन है। आपकी दुकान से गए हैं, मुझे इतना पता है, जिम्मेदारी आपकी नहीं। मेरा तोता है, एक काम करो, आपने स्पीकर पे रख लो फोन। अच्छा, गफूर को ले आइयो, गफूर को आइए बेटा। हाँ बोल बेटा। जुगनू से पूछ क्या हो गया, क्या बतौला कोई तोता बोल सकता है? मैंने तो आज तक किसी तोते को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। मैडम तोता पूछ तो रहा है, जुगनू क्या चल रहा है लाइफ में? जुगनू क्या बताएगा क्या चल रहा है लाइफ में? उनके आपस में कोई प्यार ही नहीं है। तो आपको बता के थोड़ी ना करेंगे बात? अरे हमें नहीं दिखते ना बात करते हुए, पंख भी नहीं हिलाते अपने। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे भी बात नहीं करते। जुगनू हिला दे अपने पंख। कोई मजाक हो रहा है क्या? मैं आपसे इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, आप उठा के हमें ऐसे, आपने हमें 800 रुपए का पेयर भेज दिया और अब आप जो है यहाँ पे नाटक कर रहे हो। काम करता हूँ, थोड़ा सा चौकस तोता भेजता हूँ, जो थोड़ा सा ना मतलब जज्बे वाला हो थोड़ा। क्या आप बात कर रहे हैं भैया, आपको शर्म आती है इस तरीके की बातें करते हुए? मैडम कमाल की बातें कर रहे हो आप, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। मैं कहता हूँ आज तो मेरा जमीर जाग गया, आप सुने मेरी बात। हमारा गफूर नाम का जो तोता है ना मेरा, ये बोलेगा जो लाइन ये बोलेगा, आप तोते की तरह बिल्कुल अपने तोतों के सामने बोलना और देखो फिर क्या होता है। ठीक है भैया? देखो बहन बहन सुनो मेरी बात, हम यहाँ गलत काम नहीं कर रहे, तुम मेरे तोते की जरा सुन के अपने तोतों को सामने बोलो। ठीक है ठीक है, आपके कहने पे मैं बोल दूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना इसके बाद तो 800 की जगह 1600 रुपए आप 2600 ले जाना बस। गफूर बेटा बोलिए जरा, समझाइए जुगनू को। जुगनू बेटे, ऐसे मौके बार बार नहीं आती। जुगनू ऐसे मौके बार बार नहीं आती, मैं बोल रही हूँ। जुगनू बेटा ऐसे मौके बार बार नहीं आते, उठा ले फायदा। स्वाति जी, स्वाति। हाँ जी। मैं सोनू तो नहीं बोल रहा, लेकिन सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का खड़क लौंडा बजा रहे थे। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? हेलो, আপনি কি সঞ্জীব তালুকদার? হ্যাঁ, আমি সঞ্জীব তালুকদার বলছি। আচ্ছা, আমরা শুনেছি যে আপনার মনে হয় যে আপনার বাড়িতে কিছু একটা আছে যার জন্য আপনার বাড়িতে প্রচুর অশান্তি হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমার মনে হচ্ছে আমার বাড়িতে কোনো ভূত আছে, তার জন্য কিছু কিছু এমন মানে ভৌতিক দুর্ঘটনা মানে কি হয় যদি একটু বলেন। মনে করুন যে হঠাৎ করে রুমটা প্রচন্ড গরমেও বেডরুমটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, বেডরুম ঠান্ডা আমার বাড়িতে, অথচ আমার বাড়িতে এসি নেই। আপনার বাড়িতে এসি নেই, আচ্ছা ঠিক আছে। আর কি হয়? রাত্রিবেলা ঘুমাচ্ছি, ফট করে খাট নড়ছে ডক ডক করে, ঠিক আছে, দুমদাম আলো জ্বলে উঠছে, নিভে যাচ্ছে, জ্বলছে, দিচ্ছে, দুমদাম জানলা খুলছে। আমরা একটা এজেন্সি থেকে কল করছি, আমাদের এখানে দুজন এক্সপার্ট আছেন, দুজন নাম হচ্ছে সোহম এবং গৌরব, তারা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায় আর আপনাকে মানে গাইড করতে চায় যে যেই আপনার অশান্তিটা হচ্ছে সেটা কি করে আমরা সলভ করতে পারি। খুব ভালো হয় তাহলে আমার সমস্যাটা সমাধান। সঞ্জীব দা কথা বলুন। নমস্কার সঞ্জীব দা, আমি সোহম কথা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে খাটে জন্য আছে, আমি আমার যে একজন যে পার্টনার আছে গৌরব, আমি তার সঙ্গে আপনার ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। খাটটা কি করে গৌরব? আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে এরকম গরমের মধ্যে কলকাতা শহরে এই যে এসি লাগছে না তাও ঘর ঠান্ডা যাচ্ছে, আপনি ব্যাপারটা কি সত্যি সত্যি বন্ধ করতে চান না? বন্ধ করতে চাই এই কারণে, কারণ একটা নর্মাল টেম্পারেচারে যদি ভট করে একটা শীতকালও নয় যে রুমটা হট করে ঠান্ডা হয়ে গেল, নিশ্চয়ই ভয় তো হবেই, মনে হচ্ছে বাড়িতে কোনো ভূত আছে। ও মানে নর্মালি কি বলুন তো, সাধারণ মানুষ মানে ঠান্ডার মধ্যে একটু খাট নাড়াতে চায়, সেটা ভালোই ব্যাপার, কিন্তু মানে
আপনার বিষয়টা কলকাতা শহরের মধ্যে এই গরমকালে যথেষ্ট খুব চাপে কয়েকটা টোটকা রয়েছে আর কি, তো আপনাকে কয়েকটা জিনিস একটু জোগাড় করতে হবে, সেটা কি করতে পারবেন একটু? করা যায়, হ্যাঁ বলুন। প্রথম জিনিস হচ্ছে একটা আরশোলা ধরে তার ডান দিকে চার নম্বর পাটা লাগবে। ডান দিকে চার নম্বর পা যদি আপনি ধরতে পারেন হাত দিয়ে বা যে কোনো একটা মানে বোতল বা কিছু দিয়ে খাপ করে ধরে নেন, ঠিক আছে? এটা হলো এক নম্বর, এখন শেষ হয়নি স্যার, আর একটু আছে। দু নম্বর হচ্ছে দুটো জোড়া দাঁত এবং তার মাঝখানে ধনে পাতা ঝুলছে, মানে দুটো দাঁত মাঝখান থেকে ধনে পাতা ঝুলছে। মাঝখান থেকে ধনে পাতা ঝোলা দাঁত আমি এখন কোথেকে পাবো বলুন? দাদা আচ্ছা শুনুন দাদা, একটা সলিউশন আছে, আপনার রুম ঠান্ডা হয় তো? রুম ঠান্ডা হয়, খাট নড়ে। এই রুম ঠান্ডা হওয়াটা এটা গরম করার বিষয়ে আপনার জন্য একটু খরচা একটু বাড়তে পারে, সেটা 4,000 টাকা মাত্র। আপনি এটা রুম হিটার লাগিয়ে নিন, রুম আপনার এমনি গরম হয়ে যাবে। আরে দাদা মনে হচ্ছে আপনারা আমার সাথে ফালতু ইয়ার্কি মারছেন। আরে তো হেই কমেডি ভূত চক্র বলে সিনেমা, ঠিক আছে? তার দুজন অভিনেতা সোহম এবং গৌরব তারা আপনার সঙ্গে কথা বলছিল। মেয়ে প্রবীণ বল রা হুম রেড এফএম 93.5 সে দাদা, আমলোক মুরগা বানা রে থে সঞ্জিত দা। আরে ইয়ার আর মেরা ঘর মে, হ্যাঁ সঞ্জিত দা পার্সোনালি নেবেন না, ঠিক আছে? হ্যাঁ সরি সরি সরি, আমরা ভূত চক্র প্রাইভেট এজেন্সি। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রাইভেট লিমিটেড নিয়ে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছি। ট্রেলার দেখেছি আমি। ট্রেলার দেখেছেন? কেমন লেগেছে? খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এবার ছবিটা দেখলে আরো ভালো লাগবে ডাউনের বিশ্বাস, মানে রিয়েলি আমি আপনার খুব ফ্যান। আরে বাপরে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজ থেকে আর ভূত আপনাকে বিরক্ত করবে না, কিন্তু একটা কথা বলে রাখি সঞ্জিত দা, এই ভূতের জন্য কিন্তু খাট নড়ছে না। হ্যালো নমস্কার অঙ্কিল, কন মে বউয়া বল রহা হুম। कौन बउआ जी? मैं पूछ रहे थे पोपटलाल है। कौन पोपटलाल? नहीं पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल भाई, गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे, हेलो सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल है भाई, गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं हेलो, हेलो पोपटलाल नहीं है। नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो, हेलो भाई साहब, बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना, एक बार नहीं है कोई बउआ? नहीं नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, बउआ नहीं है। हेलो यार, आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा तेरा, लाल कर दूंगा फोन का। क्यों लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी वाले नहीं है पोपटलाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब, तेरी आप क्यों लेकिन मेरे इत्मीनान से दो मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपटलाल है, पोपटलाल है, आप बोल ही नहीं रहे। एक मिनट इत्मीनान, पोपटलाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा ये बोल। नहीं क्या पोपटलाल है? हाँ मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। तो एक सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ का बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपटलाल है। झूठ का बोला, पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपटलाल है फिर? चल तेरी गलत गंदा बोल रहा है, पोपटलाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके भाई। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। जिंदे रहो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंदकिशोर बैरागी जी की आवाज़ थी और मैं बउआ बोल रही हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को। आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, उसके लिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके? हेलो, किस चीज का मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है उसके तो दाने होते ना, मैटर के दाने, मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैठागी, मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे भाई साहब। मतलब क्या T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने, बहुत ही बड़ी श्रृंखला जिसमें की सारी टीमें भिड़ेंगी, त्योहार एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग जी। हाँ उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी मैं कह रहा था कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है। बैरागी जी, इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका?
तो सीमल को अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान हाँ। अपना हाँ। पाकिस्तान नहीं सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है, मुंह उधर लगा देता हूँ मार के। तो ही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है उसको कैसे हाँ। फायदा, उसका फायदा ये होगा देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर्स नाचेंगी हाँ। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है हाँ। ना कोई लेना देना ना कुछ, उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है। उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात है। तो पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब, कैसी लगी भपका भाई साहब। इनका नाम बैठा, इनका नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल है, आपका नाम होगा आप गलत नहीं भाई साहब, नहीं नहीं हमारे फोन रखिए इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में चीयर लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, एफ से 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ चौके पे छक्के पे 93.5 बजाते रहो। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए। तूने फोन कहाँ मिलाया तू? गलत बोल रहे जी, जी बोल रहे, कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है, 10 गाड़ियां हैं, इतना थप्पड़ मारूं ऐसे? सॉरी सुन तो लीजिए, किसी के काम आने चाहिए जिंदगी में। मैं आपको तीन चीज बता रहा हूँ, बोल। तीन चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दो तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस उसका स्पीकर होता है पगले, सॉरी आवाज से तो औकात नहीं, उत्तर स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है राइट, तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा, गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी गंदगी नहीं फैला। एक सेकंड सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर अच्छा। आपका खून पियेंगे, कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है, मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर भी ना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई। बिकॉज लो अब ज्ञान की बात सुन, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहे अच्छे ऐसे बेवकूफ। तू बता तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल दे, करेगा नहीं करेगा? करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ, बजाते रहो अंकिल, नमस्कार। हेलो हेलो जनाब नमस्कार, आवाज थोड़ी कट 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 के आ रही है, कट कट। बोल कौन है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं हकीम नूरानी उन्नाव वाले, अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं, टीके जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। लाहौल बिला कुवत ही ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप।
तुम तो बहुत सही कर रहे हो अबे, मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा, उन्होंने दो टीके बनाए हैं जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तुम मुझे कुछ है ही ना, काहे का लगवाऊं। तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए। हाँ, उनने दो टीके ईजाद किए, हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चाचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं, अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भरी जाएंगे। गलत बोल रहे आप भाई साहब, लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो, अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना, 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बहुत बोले नमस्ते के लिए। हेलो, हेलो जी। हाँ जी, मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश आल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोली नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहे थे, होटल से बात कर रहा था, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप तीन लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए, हाउ वाज द फूड, कैसा था भोजन, आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरे था आपने शायद, मेंबरशिप वाला? हाँ जी भरा है। हेलो, जस्ट दो मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स तो कभी किया नहीं? नहीं नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना? नहीं नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट हाँ, वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ, इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो हाँ, घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज है लेकिन? बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए और पीने बैठते हैं तो। तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेते हैं। खा लेते हैं मंगलवार शनिवार? नहीं गुरुवार छूटे तक नहीं है ना, इन तीन दिन? नहीं तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं, जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी हाँ, है ना, ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है थोड़ा जल्दी, थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत आजकल। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को? हाँ सर, फोन रख, फोन रख। अंडा खाता है, केक में खाता है। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे तेरे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो भाई। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी, और बड़े अंतराल के बाद संपर्क। बहुत बड़े अंतराल आप लोग। अरे कौन बोल रहा भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है?
जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग। क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे जी। ये क्या ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके नए गाने में, इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुकू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ले जाए हुकू के बाद हुक तो एक तो रहता है हुक्कू और एक रहती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है तो अबे ये साला कुक्कू हुक्कू क्या है? हुक जो है हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस गाने की सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वही रैबिट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती, छुपी रहती, चाहे कंपनी की बात हो चाहे दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े आप। फंगस जोशी साहब, आप एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। गर्म जोशी के भाई फंगस जोशी गए, फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हुआ, खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बैठा? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में है। पाइन एप्पल और पॉमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। एफसी रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता बता। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया मैं नमस्कार, मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं, आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस, एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी अगर दो मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ हाँ नहीं माँ, अबे तेरी माँ की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये, अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया था ना, वो काम वाम थोड़ा कम कर पाती है। तो और हमारी घर पे ना दो दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आएगी जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा चुप काट रहा है, किसी और काट रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला, मम्मी के घुटने में दर्द है, दो दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे दो मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आके। नहीं नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब पोछा लगवाएगा उससे? दादाजी ने बोले थे विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोछा लगा दूंगा। नहीं वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू देके तेरा मोड़ बना दूंगा, बता रहा हूँ। एक सेकंड, झाड़ू देके मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी, आप ही बोल रहे हैं। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है? नहीं दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं नहीं वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना, वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की ले। तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुन ना। हाँ तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले, अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट तेरी फोन काट। अरे बस हेलो 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 कौन? अंकिल नमस्ते, मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे दो सॉरी दो मिनट लेना चाहता हूँ। बोल बोल, कोई नहीं ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। क्या बार बार उबासे ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से।
नहीं नहीं एक घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए, हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, लोग अब जल्दी सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं, नो वाटर पार्क को क्यों गाली दे गया? तो एक बार क्या, नहीं सुनो सॉरी, तो एक बार एक शराबी छत जल्दी बोल, शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोग, उसने लोगों ने उससे लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलता है? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या है? आईटी इंजीनियर। आईटी इंजीनियर, इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूँ, यौन बोलने सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी, यौन। अरे उबासी की, उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला, चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है, चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोल रहे आप, एक सेकंड रुकिए, बस मैं गंदी बात बढ़ता। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो भाई साहब। हाँ जी कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है, किनसे बात? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए क्या लगता है? सभी लोगों के लिए चलते ना? गलत नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी, किसके लिए चलते? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए? बेटा जी, एक व्यक्ति के लिए। हरी के पिताजी का नाम दर्शन। हरी के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन, मैं एक हरी के लिए सेल कैसे लगे भाई साहब? एक से क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरी की वो लाइन होती है। कैसे? हरी आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th अक्टूबर। हरी ऑफर्ड वैलिड टिल 15th अक्टूबर। मेरे बेटे हरी ऑफर्ड क्या लगा रखे है? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी, ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब, बताता हूँ आप डागर पपलू है क्या? तू होगा क्या? गलत आदमी बात कर रहा है, इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं, अबे वो हरी को बुला रहा है। हरी वैलिड ऑफर टिल, जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड किसकी आई है? इस बार की चिट्ठी हाईलैंड के क्रश नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली लुपरी लिपोली कहती हूँ गाइस, एफ से रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज एलएल लुपरी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो जी, जो ट्रेवल से मैं बउआ बात कर रहा हूँ। सही समय है बात करने का? नहीं, सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए। आप हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी? ट्रैवलिंग पे ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं? सही पकड़े हैं। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके। अच्छा, ट्रैवलिंग के? अच्छा, सिडनी का है 18999 में 1% का है। अच्छा, बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी, तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है, वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बाढ़ से लो ना। ओ माय गॉड, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? इंडिया का बताओ, इंडिया का ऐसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है, आपको किस रेंज का चाहिए?
देख भाई बजट 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह नहीं सही बात है, दो लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। चार हो जाए बहुत बढ़िया, चार में और बढ़िया, डाउन फिगर वेरी गुड। और इसके अलावा? इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा ही। खाना फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। और मैं लिख लेता हूँ, 4,000 में दो लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। मैं दो मिनट में बता रहा हूँ पैकेज आपका, ये मैंने बना दिया है। तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रेवलिंग भी नहीं लगेगा, तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रेवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं, हमारे पास नहीं है। एक किसी से ले लो दोस्त, ले लेंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है, दोनों लोग हेलमेट लगा लो, और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ और फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो। अच्छा। पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब धोएगी। अच्छा। हवा लाज की साइड पे ले जाएगी। अच्छा अच्छा, क्या सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे? देखो है? ये होगी हवा लाज की साइड दो लोगों का, कोई ट्रेवलिंग नहीं कुछ नहीं। अरे 4,000 में फ्लाइट चीज, 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। पहली जॉइंट कॉल हम लोग कर रहे हैं, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ तार दबाएं, शुल्क लागू। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। फिर ये कॉलर ट्यून क्या लगाया था, वो तो सुनने नहीं दिया, 30 रुपए बर्बाद कर दिया आपने। कॉलर ट्यून आपने फोन बात करने के